बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, अस्सलाम अलैकुम। जमात नहम के उर्दू के लेक्चर नंबर 74 का आगाज़ करेंगे, लेक्चर 74। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ ग्रामर वर्क किया था, दरख्वास्त, कहानियाँ और खतूत नवीसी हमने उसमें सीखी थी। उम्मीद है आप लोगों ने अपनी उर्दू बी की कापियाँ मुकम्मल कर ली होंगी। जो मैंने आपको बताया था, 10 दरख्वास्तें, 10 खतूत और 10 कहानियाँ आप खुशखत लिख चुके होंगे तमाम लवाजमात के साथ। अब हम हिस्सा नसर की तरफ वापस जाएंगे। चंद असबाक हमारे रह गए हैं जिनको हमने मुकम्मल करना है। अब हम जो सबक पढ़ेंगे वो है नीली झील, जिसके मुसन्निफ़ हैं शफीकुर रहमान। तो आ जाएं सफ़ा नंबर 81 पर। सफ़ा नंबर 81, पेज 81। पहले हम हसब मामूल मुसन्निफ़ का तारुफ पढ़ेंगे, उसके बाद सबक की तरफ जाएंगे। मुसन्निफ़ हैं शफीकुर रहमान, जो मिजाह निगार की हैसियत से मशहूर हैं। तंज़ो मिजाह निगार, तंज़िया और मज़ाहिया तहरीरें इनकी हैं, इसी वजह से तंज़ निगार और मिजाह निगार कहलाते हैं उर्दू अदब में। तारीख़ विलादत इनकी है 1920 और वफ़ात है सन 2000। डॉक्टर शफीकुर रहमान किलानूर मशरिकी पंजाब में पैदा हुए। इससे पहले अपने जितने राइटर्स पढ़े तकरीबन ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान के बजाय भारत से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन डॉक्टर शफीकुर रहमान का ताल्लुक़ पाकिस्तान के मशरिकी पंजाब के इलाके किलानूर से था। उनके वालिद का नाम अब्दुल रहमान ख़ान था। 1942 में किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS का इम्तहान पास किया। डॉक्टर, देखें इनके साथ नाम के साथ डॉक्टर भी लिखा हुआ है, तो ये MBBS वाले डॉक्टर हैं, ठीक है। MBBS का इम्तहान पास किया और अगले साल फ़ौज में मुलाजिम हो गए। मेजर जनरल के ओहदे से सुबकदोश हुए, यानी तरक्की करते करते मेजर जनरल के ओहदे तक पहुँचे, और फिर मेजर जनरल के ओहदे पर पहुँचने के बाद मुलाजमत से फारिग हुए। सुबकदोश होना यानी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना, अपने ओहदे से अपना ओहदा बरा होना, ठीक है। मुलाजमत के दौरान ही इंग्लिस्तान में आला तालीम पाई। मुलाजमत के दौरान ही उनको मौका मिला और वो इंग्लैंड गए और वहाँ पर उन्होंने आला तालीम हासिल की। उनके अफसानों का मजमुआ किरने के नाम से 1942 में शामिल हुआ, पहला मजमुआ, ठीक है। जो उनके अफसानों का पहला मजमुआ था वो किरने के नाम से 1942 में शाया हुआ था, यानी कि पाकिस्तान के बनने से तकरीबन 5 साल पहले। दीगर मजमुओं में शगुफे, लहरें, शगुफा किसको कहते हैं, कली, वैसे शगुफा कहते हैं कली को, जो बंद फूल होता है ना, कली, लेकिन अदबी लिहाज से शगुफे हम लताइफ़ को भी कहते हैं, ऐसी बातें जो इंसान के लबों पर मुस्कुराहट पैदा कर दें, ठीक है, लताइफ़ वगैरह, दिलचस्प बातें। लहरें, मतोजज़र, परवाज, हमाकतें, मज़ीद हमाकतें, दजला और इंसानी तमाशा शामिल हैं, ये उनकी अहम तसानीफ़ हैं। 1984 में अकादमी अदबियात पाकिस्तान के चेयरमैन मुकर्रर हुए, ठीक है। अकादमी अदबियात यानी पाकिस्तान में जो एकेडमी है, अकादमी, एकेडमी को कहते हैं, अदब की सबसे बड़ी एकेडमी जो पाकिस्तान में है वो अकादमी अदबियात है, उसके ये चेयरमैन मुकर्रर हुए। ज़ाहिर है एक पढ़ी लिखी शख्सियत थे, क्वालिफाइड इंसान थे, जिन्होंने आला तालीम हासिल की थी, पहले MBBS किया उसके बाद मज़ीद आला तालीम हासिल की, तो वो एक बड़े ओहदे पर अपनी सलाहियतों के बलबूते पर पहुँचे। डॉक्टर शफीकुर रहमान के अफसानों में पेचीदगी मुतलक नहीं होती, पेचीदगी यानी कॉम्प्लिकेशन, मुश्किल, यानी कि उनके अफसाने सीधे सच्चे खड़े होते हैं, सीधी बात वो करते हैं, उसमें कोई घुमाव फिराव की बात नहीं होती। मुतलक यानी बिल्कुल, कतन, कोई मुश्किल नहीं होती, सीधी बातें होती हैं जो हर कोई पढ़कर उनको आसानी से समझ में आने वाले। उनके रोमानी और तफरीही दोनों तरह के अफसानों में बेसाख्तगी और रवानी पाई जाती है। रोमानी यानी तसव्वुराती, जो तसव्वुराती तहरीरें हैं, तसव्वुर यानी ख्याल से अखज़ शुदा ना, जो हम ख्याली बातें जो सोचते हैं, जो हमारे तसव्वुर में होता है, ख्याल में होता है, उनको रोमानी कहते हैं। और तफरीही यानी जो इंसान को तफरी फराहम करे, दिलचस्प हो। दोनों तरह के अफसानों में बेसाख्तगी और रवानी पाई जाती है। बेसाख्तगी यानी उसमें कोई तसन्नो, कोई तकल्लुफ़, कोई बनावट नहीं होती, ठीक है, और रवानी तसलसल होता है।
उनका अफसाना वाकयात से ज़्यादा किरदारों के तर्ज़ अमल से नशोनुमा पाता है, यानी कि उनके किरदार जो है वो जीते जागते होते हैं, उनके किरदार ऐसे होते हैं कि उनसे ही जो वो बात कहना चाहते हैं वो अपने किरदारों से ही वो बात वो उनके तर्ज़ अमल से, उनके एक्ट से, उनके उठने बैठने से, उनके मुकालमात से वो बात वो सीधी सीधी पहुँचा देते हैं। शफीकुर रहमान की बहुत नुमाया खसूसियत उनकी ज़राफ़त है, ज़राफ़त मिजाह, हंसी मजाक मिजाह। वो अपनी तंजिया और मिजाहिया तहरीरों की वजह से अदबी दुनिया में बहुत बुलंद मुकाम रखते हैं। उनका मुशाहिदा वसी, तहरीर सादा और दिलनशीन है। अच्छा, तंजिया और मिजाहिया, मिजाहिया तो ये होती है जो दिलचस्पी वाली बात है ना, मजाक का अंसर जिसमें हो, और तंजिया, तंज का मतलब है चोट करना, इसको हम चोट करना भी कहते हैं, यानी मिजा ही मिजा में कोई खामी बयान कर देना, ठीक है। मिजाहिया अंदाज में, मिजाह में ही, हंसी मजाक में ही दूसरे को उसकी खामी बता देना, ये कहलाता है तंज। उनका मुशाहिदा वसी, तहरीर सादा और दिलनशीन है। दिलनशीन यानी जो दिल में उतरने वाली हो। उनका मुशाहिदा, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत कीन है वो, ठीक है, बहुत वसी उनका मुशाहिदा है। ज़ाहिर है इतनी क्वालिफाइड शख्सियत और फिर उनका काफ़ी तजुर्बा के MBBS किया, फिर फ़ौज में मुलाजमत की, बाहर के ममालिक में गए, तो ज़ाहिर है ऐसे शख्स जब वो ज़हीन भी हो, क्वालिफाइड भी हो, तो उसका अच्छा खासा मुशाहिदा होगा, ऑब्जर्वेशन उसकी बड़ी कीन होगी। तहरीर सादा और दिलनशीन है, हालांकि इतने क्वालिफाइड होने के बावजूद, इतने आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद उन्होंने मुश्किल पसंदी से काम नहीं लिया, बल्कि अपनी तहरीर को बहुत सादा लिखा। और सादा लिखने के से क्या होता है कि तहरीर हर कोई, चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, हर आम फहम हो जाती है वो तहरीर, जो बहुत सादा और सलीस हो। दिलनशीन यानी दिल में उतरने वाली, जो दिल को अपनी तरफ मायल करती हो और पढ़कर इंसान उसको उससे मुतासिर हो। इंसानी फितरत की कमज़ोरियों पर उनकी नज़र बहुत गहरी है। इंसानी फितरत में कमज़ोरियाँ हैं, ठीक है, अभी ये सबक हम पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि हर इंसान में फितरी तौर पे कमज़ोरियाँ मौजूद होती हैं। उनकी इस चीज़ पर बड़ी गहरी नज़र है, इसी से वो मिजाह का कोई पहलू तलाश कर लेते हैं और इसे इस तरह तहरीर में लाते हैं कि पढ़ने वाला इन हकायक को तस्लीम करने पर मजबूर होता है। वो मिजाह ही मिजाह में इंसान को समझा देते हैं और जो पढ़ने वाला होता है वो उस चीज़ की हकीकत को मानने पर मजबूर हो जाता है। उनकी तहरीर खंदा जेरे लब तो बनती है, कह कहा नहीं बनती। देखें बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही है कि उनकी तहरीरें ऐसी होती थी कि दिलनशीन है, सादा है, मुशाहिदा उनका वसी है, लेकिन उनकी तहरीर जो है वो क्या है, खंदा जेरे लब यानी मुस्कुराहट तो बनती है, कह कहा नहीं बनती। कह कहा यानी ज़ोर से हंसना, बावाज़ हंसना। ये अजीम अफसाना निगार और मिजाह निगार 19 मार्च 2000 को इस जहान पानी से रुखसत हुआ। ये उनकी तारीख़ वफात है। यहाँ तक हो गया इसका तारुफ़, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम सबक की इब्तिदा करते हैं। सबक से पहले आपको बता दूँ कि सबक नीली झील जो है ये अफसाना है। अफसाना यानी मुख्तसर कहानी और झूठी कहानी, ठीक है, फर्जी कहानी, ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, अफसाना इसी को कहते हैं। अच्छा, नीली झील, पहले इस मरकब पर गौर करें, नीली यानी उसके रंग को वाजह कर रहे हैं ना, ये मरकब में वजाहत हो रही है, सिफ्त और मौसूफ नज़र आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं ना, देखें झील है और उसका कलर बताया गया है, उसका रंग बताया गया है, उसकी सिफ्त बताई गई है, तो ये मरकब है, कौन सा मरकब है, ये है मरकब तौसीफी। सिफ्त और मौसूफ मौजूद है ना, देखें तो सिफ्त और मौसूफ से मिलकर बना नीली झील। अच्छा, यहाँ पर इस सबक को की इब्तिदा करने से पहले इस अफसाने की, और ये नसरी लिहाज से क्या है, अफसाना, ठीक है, फर्जी कहानी, अफसाना किसको कहते हैं, फर्जी कहानी, फर्जी यानी झूठी, फर्जी का मतलब है झूठी, जो फ़र्ज की गई हो, तसव्वुराती हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, या मुख्तसर कहानी, इसको मुख्तसर होती है, ठीक है, उसमें किरदार, कम किरदार होते हैं, ठीक है, ये होता है अफसाना। अच्छा, पहले हम इस अफसाने के बारे में थोड़ा सा खुलासा मैं आपको इसका बयान कर दूँ। ये जो नीली झील है ना, ये एक तसव्वुराती दुनिया है, इसका जो मरकज़ी किरदार है वो रूफ़ी है, ठीक है, बच्चा है एक रूफ़ी, जो पढ़ने लिखने से नाला है, यानी कि उसको पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं है, लेकिन घर वाले उसको पढ़ा रहे हैं। ज़ाहिर है अक्सर बच्चे ऐसे ही होते हैं इस एज में, जो पढ़ना नहीं चाहते लेकिन घर वाले तो
ज़िम्मेदारी के साथ उनको पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको पढ़ाया लिखाया जाए बच्चों को, तो अभी एहसास नहीं होता इस बात का। तो यहाँ पर भी ये बच्चा जो है पढ़ने से बचने के लिए मुख्तलिफ बहाने करता है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती जो है वो पढ़ाया जाता है। और वो मतलब घर वालों की वजह से पढ़ने पर मजबूर होता है। फिर यहाँ पर एक नीली झील का जिक्र है। बच्चा जो है वो अपने नफ्सियात के लिहाज से, अपनी उम्र के लिहाज से अपने नफ्सियाती तकाज़ों का जिक्र करता है कि उसके नफ्सियाती तकाज़े इस उम्र में क्या थे, और घर वालों को वो अपना खैरख्वाह नहीं समझता क्योंकि उसके ऊपर पाबंदियाँ आयद कर दी जाती हैं ना। अक्सर बच्चे इस चीज़ को बहुत बुरा समझते हैं, यूँ कह लें कि घर वाले उन पर पाबंदियाँ लगाएँ। बचपना होता है ना, उनको भी समझ बूझ नहीं होती। तो इसमें भी इस बच्चे का यही जिक्र है। फिर वो क्या करता है कि अपनी इस हकीकत से नज़रें चुराने के लिए वो एक नीली झील में पना लेता है, जो उसके तसव्वुराती दुनिया होती है, और वो उसमें बैठकर मछलियां भी पकड़ता है, उसको बैठकर उसके मंजर से भी लुत्फ़अंदोज़ होता है। हालांकि ये सब कुछ उसकी अपनी इख्तिरा होती है, उसका अपना तसव्वुर होता है, उसकी कोई हकीकत नहीं होती। ये अब हम सबक पढ़ेंगे तो काफ़ी दिलचस्प सबक है, उम्मीद है आप लोगों को पढ़कर मज़ा आएगा। अब स्टार्ट करते हैं, सबक की इब्तिदा करते हैं। सबक है नीली झील। ये उन दिनों का जिक्र है जब रूफ़ी के दांत पर बिजली गिरी। अब बताएं, दांत पे बिजली गिरती है, देखें ना, तंजो मिर्ज़ा तो पहली लाइन से शुरू हो गया। रूफ़ी बिजली से बहुत डरते थे, जब बादल आते तो वो बिस्तरों में छुपते फिरते। सब कहते कि अगर बिजली को गिरना है तो ज़रूर गिरेगी। रूफ़ी जवाब देते, बेशक गिरे, लेकिन इस तरह कम अज़ कम उसे मुझको घूमना तो पड़ेगा। हुआ यूँ कि बारिश अभी अभी थमी थी। अच्छा जी, ये देखिए किन दिनों का जिक्र है, जब रूफ़ी के दांत पर बिजली गिरी थी। दांत पर कभी बिजली गिरती है बच्चे? रूफ़ी बिजली से बहुत डरते थे। हाँ, दांत पर बिजली गिरने का वाक्य इसलिए पेश आया था कि असल में रूफ़ी के दिल में खौफ था कि वो बिजली से बहुत डरते थे। जब बादल आते तो वो बिस्तरों में छिपते फिरते, यानी कि जब बादल आते तो उनको पता था कि अब बारिश होगी, बिजली चमकेगी, इसीलिए वो हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर पहले से ही बिस्तरों में छुप जाते। सब कहते कि अगर बिजली को गिरना है तो ज़रूर गिरेगी। अब वो बच्चे को ऑर्डर आते थे। रूफ़ी क्या कहते? गिरे, लेकिन मैं छुप तो जाऊँगा, बिस्तरों में छुपा हुआ होगा, कहीं होगा तो वो कम से कम मुझे ढूंढेगी तो सही। लेकिन ये उसका एक मासूमाना जवाब था। हुआ यूँ कि बारिश अभी अभी थमी थी। थमी थी यानी रुकी थी। रूफ़ी सोफ़े के पीछे से निकल कर दबे पाँव बरामदे तक गए, ये देखने कि बादल छट गए या नहीं। दबे पाँव यानी चुपके से जाना, खामोशी के साथ जाना कि पाँव की आवाज़ ना आए। बादल छट गए यानी बादल ख़त्म हो गए, चले गए। इतने में ज़ोर से बिजली कूंदी, कूंदी यानी लपकी, और एक अजीमशान धमाका हुआ। बिजली के चमकने से वो जो गरज चमक होती है तो उसमें अक्सर धमाकों जैसी आवाज़ें भी आती हैं ना, तो उसकी तरफ इशारा है। अजीमशान बहुत बड़ा। जब वो होश में आए तो उनका एक दांत हिल रहा था। अब वो उनका दांत पहले से कुछ मसला था दांत में, लेकिन जब वो बेहोश हो गए उस डर से, बिजली की उस आवाज़ से, उस धमाके के खौफ से, वो जब बेहोश हो गए और होश में आए तो उनका एक दांत हिल रहा था। उन्होंने आईना देखा तो दांत का कुछ हिस्सा सियाह नज़र आया। होता है ना, जब दांत पे कीड़ा लग जाता है तो सियाह नज़र आता है। अगले रोज़ आस पास मशहूर हो गया कि रात रूफ़ी मियाँ के दांत पर बिजली गिरी है, यानी कि उन्होंने यही समझा कि ये बिजली ज़रूर मेरे दांत पे गिरी है, इसलिए तो ये सियाह भी हो गई, यानी जल भी गया है मेरा दांत। वो दो दिन तक बिस्तर पर पड़े रहे। वो जो साइकोलॉजिकल उन पर असर हुआ, नफ्सियाती दबाव जो उनके ऊपर था हो गया था, कि उनको यही लगा कि बिजली ज़रूर उनके दांत पे गिरी है, इसलिए वो बिस्तर पर पड़े रहे। लेकिन इस तरह हम अपने आने वाले सेमाही इम्तिहान से ना बच सकें। उनका ख्याल था कि मैं इस तरह बिस्तर पर पड़ा रहूँगा और ख़ुद को अलील और बीमार ज़ाहिर करूँगा तो क्या होगा। आने वाले सेमाही इम्तिहान यानी उसका जो सेमेस्टर था, या उसका जो सेमाही कहते हैं तीन महीने बाद वाले होने इम्तिहान को, ठीक है, जिस तरह मिड टर्म होता है, आपका फाइनल होता है ना, दो इम्तिहान होते हैं, बाद स्कूलों में तीन महीने बाद इम्तिहान लिया जाता है। तो वो उनका ख्याल था कि इस इम्तिहान से मैं बच जाऊँगा। इस कमबख्त इम्तिहान ने हमारी नींद उड़ा रखी थी। ज़ाहिर तैयारी तो वो करते नहीं थे, लेकिन इम्तिहान का प्रेशर तो था ना, टेंशन तो थी उनकी। नींद उड़ा देना यानी कि उनको काफ़ी परेशान कर रखा था। मास्टर साहब ने हमारे साथ ख़ास रियायत की यानी उनको फेवर दिया। क्या दिया? और अज़राहे करम इम्तिहान चंद दिनों के लिए मुलतवी कर दिया। मुलतवी कर दिया यानी डिले कर दिया, उसको थोड़ा सा बाद में रख दिया। मुलतवी करने कहते हैं किसी चीज़ को इल्तवा देना, यानी उसको थोड़ा सा लटका देना, उसको थोड़ा सा देर से करने के लिए। हमारे मास्टर साहब उन हज़रात में से थे जो आपसे सवाल पूछेंगे
आपकी तरफ से खुद जवाब देंगे और फिर आपको डांटेंगे भी कि जवाब गलत था। अब वो देखें अपने मास्टर साहब पे तंज कर रहे हैं। तो मास्टर साहब में भी ये कमज़ोरी थी कि वो सवाल पूछेंगे, जवाब भी देंगे और फिर डांटेंगे कि जवाब गलत है। चलिए बच्चे, इस पहला पैराग्राफ तक हमारे आज के लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट लेंगे। आप इसके MCQs, तारुफ के MCQs यानी उसके मारूजी सवालात आपने ज़रूर बनाने हैं।